नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मिंग हेल्प चैनल में एक और नई वीडियो के साथ। आज हम पहुंचे हैं फतेहाबाद ट्रैक्टर मार्केट, जो एवरी संडे को लगती है और यहां पर काफ़ी सारे ट्रैक्टर आपको देखने को मिलते हैं, लगभग सभी मॉडल्स और सभी कंपनीज। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं फार्म ट्रैक 60 से। सबसे पहले आप इसका जो व्यू देख रहे हैं वो लेफ्ट साइड से है। लेफ्ट साइड से आप इसका सबसे पहले एक नज़र व्यू देख लीजिए। यदि बात करें इसके फ्रंट टायर की तो फ्रंट टायर को आप देख सकते हैं, कंडीशन एकदम ओके। फ्रंट टायर की बिल्कुल नज़दीक से आप देख, इस साइड से भी देख लीजिए साइज में है। और अब चलते हैं रियर टायर की तरफ। यदि बात करें इसके रियर टायर की तो रियर टायर की भी कंडीशन बिल्कुल नई है, एकदम ओके। 13x28 के साइज में है। और ये प्लेटफॉर्म का व्यू भी आप देख सकते हैं इसका। ₹2007 मॉडल ट्रैक्टर है ये और 2,65,000 इस पर कीमत की गई है। सामने से भी आप इसका एक व्यू देख लीजिए या इसकी एक झलक आप सामने से भी देख सकते हैं। अब देखिए इसको राइट साइड से, तीन सिलेंडर में ट्रैक्टर आता है ये। ऑटो मार्केट फतेहाबाद हरियाणा में ये ट्रैक्टर खड़े हैं। और अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। जब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे सोनालिका DI-35 देखने को मिलता है, जो 39 HP की कैटेगरी में आता है। और ये यहाँ से आप देख सकते हैं तीन सिलेंडर में ट्रैक्टर है। फ्रंट टायर की आप कंडीशन देख सकते हैं यहाँ से। और बात करें इसके रियर टायर की तो रियर टायर 13x28 के इसके। और ये प्लेटफॉर्म का व्यू भी आप यहाँ से देख सकते हैं इसका। अब आते हैं इसके सामने की तरफ। सामने से भी आप इसका एक व्यू देख लीजिए, ये इसकी एक झलक आप सामने से देख सकते हैं। हरियाणा नंबर ट्रैक्टर है ये। और यदि बात करें इसके रेटर मॉडल की तो 2013 मॉडल ट्रैक्टर है और 3,25,000 इस पर कीमत की गई है। मंडियों में जो कीमत रहती है वो नेगोशिएबल होती है या कुछ एक्स्ट्रा लिखी जाती है। ये राइट साइड से भी आप इसका एक व्यू देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे हमको सोनालिका DI-60 MM सुपर देखने को मिलता है। लेफ्ट साइड से आप इसका व्यू देख रहे हैं। इसके फ्रंट टायर को आप देख लीजिए, फ्रंट टायर की कंडीशन एकदम ओके है। और बात करें इसके रियर टायर की तो रियर टायर की भी कंडीशन एकदम ओके। ये प्लेटफॉर्म का व्यू भी आप देख सकते हैं। इसके बाद हम इसके सामने की तरफ आएंगे। सामने से आप इसका एक व्यू देखिए। अब बात करें इसके रेट्रो मॉडल की तो 2014 मॉडल ट्रैक्टर ही है और 3,85,000 इस पर कीमत की गई है। ये राइट साइड से आप इसका व्यू देख सकते हैं। इसके बाद यदि हम आगे बढ़ते हैं तो आगे हमको सोनालिका DI-35 देखने को मिलता है। सबसे पहले आप इसका लेफ्ट साइड से व्यू देख रहे हैं। यदि बात करें इसके फ्रंट टायर की तो फ्रंट टायर बिल्कुल नील मान करके चलिए आप। और यदि बात करें रियर टायर की तो रियर टायर फ्रंट टायर से काफ़ी बेहतर हैं। ये आप इसके प्लेटफॉर्म का व्यू भी देख सकते हैं। जैसी भी कंडीशन है सुस्पष्ट तरीके से आपको दिखाई जाती है, किसी प्रकार का फेरबदल हमारे द्वारा नहीं किया जाता। और अब आप सामने से इसका व्यू देख लीजिए। Mm-hmm.
यदि बात करें इसके रेट और मॉडल की तो 2004 मॉडल ट्रैक्टर है ये और 1,95,000 इस पर कीमत की गई है। अब हम इसके राइट साइड की तरफ आते हैं तो राइट साइड से भी आप इसका एक व्यू देख सकते हैं। इसके बाद यदि हम आगे बढ़ते हैं तो आगे हमको फार्म ट्रैक हीरो देखने को मिलता है और लेफ्ट साइड से आप इसका व्यू देख रहे हैं। 34 HP की कैटेगरी में आता है। आप लेफ्ट साइड से इसका व्यू देखिए। सबसे पहले यदि बात करें फ्रंट टायर की तो बिल्कुल नए वाले फ्रंट टायर हैं 6/16 के साइज में और इसके रियर टायर भी बिल्कुल ओके हैं, एकदम नए हैं। सामने से हम इसका व्यू देखते हैं। अब सामने से भी आप इसका एक व्यू देख लीजिए। अब बात करते हैं इसके रेट और मॉडल की तो ये 2010 मॉडल है, 9 मॉडल है और 10 की RC 2,60,000 इस पर कीमत की गई है। ये देखिए आप, यहाँ पर ज़्यादातर ट्रैक्टर्स पे प्राइस और मॉडल लिखा जाता है मार्केट में। ये राइट साइड से भी आप इसका व्यू देख लीजिए। 3 सिलेंडर में ट्रैक्टर आता है ये फार्म ट्रैक हीरो। यहाँ पर आपको फार्म ट्रैक हीरो और फार्म ट्रैक चैम्पियन काफ़ी देखने को मिलेंगे। शायद एक भाई की कमेंट भी थी चैम्पियन के बारे में तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आप चैम्पियन देख सकते हैं काफ़ी मात्रा में। आगे फिर आपको फार्म ट्रैक का ही ट्रैक्टर देखने को मिलता है चैम्पियन। सबसे पहले लेफ्ट साइड से आप इसका व्यू देखिए। यदि हम फ्रंट टायर की बात करें तो फ्रंट टायर की आप कंडीशन देख सकते हैं काफ़ी अच्छी है। 39 HP की कैटेगरी में है ये और ये देख सकते हैं आप इसके प्लेटफॉर्म का व्यू। रियर टायर इसके एकदम ओके देख लीजिए आप। इसके बाद यदि हम सामने की तरफ आते हैं तो आप सामने से भी इसका एक व्यू देख सकते हैं। यदि बात करें इसके रेट और मॉडल की तो 2009 मॉडल ट्रैक्टर ही है और 2,80,000 इस पर कीमत की गई है। अब आप इसका राइट साइड से भी एक व्यू देख सकते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। आगे यदि हम बढ़ते हैं तो आगे हमको स्वराज 855 FT देखने को मिलता है। लेफ्ट साइड से आप इसका व्यू देख रहे हैं। सबसे पहले यदि इसके रेट और मॉडल की बात करें तो 2012 मॉडल ट्रैक्टर ही है और 3,98,000 इस पर कीमत की गई है। 3 सिलेंडर में ट्रैक्टर आता है। इसके फ्रंट टायर की कंडीशन आप देख सकते हैं 6/16 के साइज में है, कंडीशन एकदम ओके है। और यदि बात करें इसके रियर टायर की तो 14/28 के इसके रियर टायर हैं। ये प्लेटफॉर्म का व्यू भी आप देख सकते हैं यहाँ से। और अब हम आते हैं इसके सामने की तरफ। सामने से भी आप इसका एक व्यू देख लीजिए। ये आप राइट साइड से भी देख सकते हैं इसको। और यदि हम इससे आगे बढ़ते हैं तो आगे हमको फार्म ट्रैक महिंद्रा 265 DI देखने को मिलता है। लेफ्ट साइड से आप इसका व्यू देख रहे हैं। ये आप इसके फ्रंट टायर देख लीजिए, फ्रंट टायर की कंडीशन। और ये रियर टायर ज़्यादा बेटर नहीं है वैसे टायर की कंडीशन। यहाँ से आप इसके प्लेटफॉर्म का व्यू भी देख सकते हैं। यदि हम इसके रेट और मॉडल की बात करें तो 1995 मॉडल ट्रैक्टर है ये और 1,40,000 इस पर कीमत की गई है। ये आप राइट साइड से भी इसका एक व्यू देख सकते हैं।
ये सभी ट्रैक्टर ऑटो मार्केट फतेहाबाद में खड़े हैं। फतेहाबाद ट्रैक्टर मंडी जो हर संडे को लगती है, एवरी संडे ये मार्केट लगती है। यहाँ पर आपको लगभग सभी प्रकार के ट्रैक्टर देखने को मिलते हैं सेकंड हैंड, तो आप यहाँ आकर कोई भी ट्रैक्टर परचेज कर सकते हैं संडे वाले दिन। बाकी दिनों को ज़्यादा बड़ी मार्केट मिलेगी आपको, ज़्यादा ट्रैक्टर नहीं मिलेंगे। और ये ट्रैक्टर आपने जो अभी देखे वही साइड है, तो ले वीडियो में।